Assalamu alaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So जी guys, हम mathematics समझते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, continue है. Maths अगर आपको continuous रखनी है, समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझ सकें, सीख सकें एंड अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट कर सकें. ठीक गाइस, सो आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं. तो आज की क्लास में समझेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 को समझने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.8 समझते आ रहे हैं. 30 नंबर क्वेश्चन समझेंगे. 30 नंबर क्वेश्चन में टू डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है, दो डिफरेंट इक्वेशंस मिली हुई है. इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करने का मतलब ये कि जो इक्वेशन में वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना. ठीक, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे वो क्वेश्चन को देखकर ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फाइंड कैसे करना. ठीक है, तो समझने से पहले आप रेडी हो जाएं, मतलब समझने के लिए रेडी हो जाएं, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि पॉइंट्स नोट करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठें, रिलैक्स होकर बैठें, समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए, समझ सके. ठीक है, सो आइए हम समझ से स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, किस टाइप का एंड कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन से क्वेश्चन जो गिवन है, मिले हुए वो किस फॉर्म में गिवन है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्यूशन, सो 2x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 8. अब ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में वेरिएबल x² x हाईएस्ट पावर 2 मींस क्वाड्रेटिक, y पे भी हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, बीच में जो x एंड y दोनों लीनियर फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. चलो ठीक है, देखते हैं आगे. सेकंड जो इक्वेशन गिवन है वो है 6xy प्लस 2y² इक्वल टू 20. अब ये इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट जैसे x एंड y वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लीनियर है, y पावर 2 है मींस y क्वाड्रेटिक फॉर्म में, x क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस इक्वेशन में नहीं है. डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन होती है, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं. ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूं. सही है, अब कैसे सॉल्व करेंगे. अब हम दो जो इक्वेशंस गिवन है ये, इन दोनों इक्वेशंस को पहले इक्वल टू कांस्टेंट नंबर के हैं, 8 = 20. पहले कांस्टेंट नंबर को हम यहां से इरेज करेंगे, रिमूव करेंगे. क्यों रिमूव करने जा रहे हैं, कांस्टेंट नंबर हटाने की जरूरत क्या है, ताकि इक्वेशन इक्वल टू 0 हो और उस इक्वेशंस के हम मिडिल टर्म ब्रेकअप करके वेरिएबल को आजाद कर सकें. वो इक्वल टू 0 होगा तभी मिडिल टर्म ब्रेकअप करके हम आजाद कर सकेंगे वेरिएबल्स को. आइए बात समझो, तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म को यहां से हटाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स को 0 करेंगे. सही है, अरे बात समझ में. अब 0 कैसे करेंगे, क्यों 0 करेंगे तो समझा, अब कैसे 0 करेंगे आइए वो समझते हैं. तो इसलिए मैं लिखता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट दोनों लिखी. अब क्या करने जा रहे, कांस्टेंट टर्म को हटाना. तो कांस्टेंट टर्म हटाना है तो मतलब ये यहां पर 8 है इस साइड में, 20 है, हटाना मींस माइनस करेंगे तभी रिमूव होगा. तो 8 + 20 माइनस करेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो हटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म सेम करने की कोशिश करें. कैसे, इक्वेशन नंबर 1 में जो कांस्टेंट नंबर है वो इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में कांस्टेंट नंबर इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट नंबर्स को. सही, जो कैंसिल करने जा रहे हैं दो इक्वेशन से वो टर्म अगर सेम नहीं है तो उनके कोफिशिएंट्स अल्टरनेटिवली आप मल्टीप्लाई करें ताकि सेम हो जाए. अब देखिए कैसे, 24 = 40, 22 = 40x² + 20xy + 20y² = 8 × 20 के साथ करेंगे 160.
सही है, ये 20 को इक्वेशन नंबर 1 के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जो है आंसर मिला वो आपके सामने है। ठीक, अब देखो 8 इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 48 xy प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 16 y स्क्वायर इज इक्वल टू 160 20 मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे 160 सही है, आई बस समझ गए। ठीक, अब देखिए कांसेप्ट नंबर सेम होंगे, सेम होंगे तो आप इक्वेशंस को माइनस करेंगे 48 के आगे कुछ भी नहीं मींस माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो कैंसिल होंगे, ये 48 एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, नीचे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वेरिएबल वाला चल है नहीं तो ये सर यहां पर 20 एक्स वाई में 48 एक्स वाई वेरिएबल साइन है एक्स वाई तो ये भी एक्स वाई 20 प्लस के 48 माइनस का है माइनस करेंगे मगर आंसर माइनस में रहेगा तो माइनस के 28 एक्स वाई रह जाएंगे 28 ठीक 20 वाई स्क्वायर में 16 वाई स्क्वायर माइनस करेंगे बाकी प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 60 160 प्लस 160 माइनस में कैंसिल हो गया इक्वल टू 0 बचा आई बात समझ में अब इक्वेशन इक्वल टू 0 है तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करेंगे किसी एक वेरिएबल को आजाद करेंगे कैसे देखते हैं समझ ठीक अब इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर तीनों में से मेरे ख्याल में 4 को हम कॉमन ले सकते हैं 4 का नंबर तीनों टर्म्स को डिवाइड हो सकता है कॉमन ले सकते हैं का मतलब ये है अगर कॉमन नहीं लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है मगर अगर कॉमन लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी हमें तो इसलिए कॉमन ले रहे हैं 4 को कॉमन लूंगा 10 10 डबल लग रहा है माइनस 4 को यहां पर डबल 7 10 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 4 कॉमन आ गया इक्वल टू 0 सही है 4 कॉमन लिया मींस हर नंबर से 4 को डिवाइड करने के बाद जो बचा वो नंबर रहा अब 4 कॉमन लेने के बाद हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी है तो बराबर की साइड में शिफ्ट करेंगे हो जाएगा डिवाइड में सो 0 डिवाइडेड बाय 4 सो ये 10x स्क्वायर 7xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी रियल नंबर आंसर रिमेंस 0 सही अब देखिए x स्क्वायर वेरिएबल y स्क्वायर वेरिएबल हाईएस्ट पावर वाले मिडिल टर्म में x एंड y x स्क्वायर और y स्क्वायर के हाफ पावर मौजूद है सही है तो इनके मिडिल टर्म हम ब्रेकअप कर सकते हैं कैसे मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे हमें साइड पे लिखा हूं लाइन लेकर कह रहा हूं कि रफ फर्क है 10x स्क्वायर 7xy y स्क्वायर इक्वल टू 0 तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 10x स्क्वायर एंड y स्क्वायर समझते आ रहे हैं ज़हन में होना चाहिए सही अब 10 जो मल्टीप्लाई करने से नंबर मिला है उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे 2 का डबल 5 टाइम 5 को 5 का अपना डबल 1 टाइम दो ही फैक्टर्स मिले हैं अब दोनों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो आंसर मिले माइनस का 7 मल्टीप्लाई करें तो 10 प्लस का बिल्कुल आ चुकी है तो माइनस का 2 एंड माइनस 5 माइनस 7 साइन 7 नंबर्स को प्लस करेंगे साइन वही रहेगी तो माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्वल टू 5 टू द 10 माइनस इनटू माइनस प्लस जाएगी आई बात समझ में फैक्टर्स ये तो हर प्रॉब्लम में अपने आप समझते आ रहे हैं इजी है कोई डिफिकल्ट नहीं है तो ये फैक्टर्स मिले फैक्टर्स को लिखेंगे ये 10 x स्क्वायर माइनस 2 xy वेरिएबल जो ही मिडिल टर्म है वही लिखेंगे 2 ये एंड सेकंड फैक्टर माइनस 5 xy वेरिएबल आएगा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया ठीक अब क्या करेंगे अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे एंड लास्ट टू टर्म्स में अलग से कॉमन लेंगे एंड समझिए 10 यहां पर 2 है तो मींस 2 का डबल दोनों को लग सकता है x स्क्वायर यहां पर x भी मौजूद है x भी कॉमन निकल सकता है ठीक 2 कॉमन लिया तो 2 का डबल 10 को 5 टाइम x स्क्वायर में 1x आ चुका है बाकी x रहेगा x पावर 2 है 1x आ गया ठीक है माइनस 2 कॉमन ले लिया है एक्स भी कॉमन आ चुका है बाकी बचा 5 वाई क्या बचा हुआ बाकी वाई नॉट 5 आई बस समझ ठीक अब देखो इस साइड में कॉमन ले सकते हैं माइनस 5 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
तो सिर्फ y कहाँ है, माइनस y, 5x, y आ चुका, माइनस कॉमन ली हुई है, तो ये माइनस y स्क्वायर के आगे प्लस है, तो माइनस इनटू प्लस, माइनस y बचेगा, y स्क्वायर है, एक y को निकाल दिया है, बाकी सिंपली y इक्वल टू जीरो, ठीक। अब ये 5x माइनस y फैक्टर इज कॉमन फ्रॉम दीज बोथ टर्म्स, दोनों टर्म से 5x माइनस y कॉमन आ चुका है, बाकी ये 2x यहां पर माइनस y इक्वल टू जीरो, दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई में आए, दोनों फैक्टर इक्वल टू जीरो के हैं, तो दोनों को अलग अलग करेंगे हम, सही है। सो 5x माइनस y इक्वल टू जीरो एंड यहां पर 2x माइनस y इक्वल टू जीरो, सही है। अब देखिए इक्वल टू जीरो है, इसीलिए तो इस टर्म को हमने इक्वल टू जीरो पे किया है, ताकि आगे इक्वल टू जीरो अलग अलग कर सके एंड सॉल्व कर सके, ठीक। y माइनस के आउटसाइड में शिफ्ट करेंगे तो y जो है वो प्लस का हो जाएगा, 2xy माइनस का आउटसाइड भी y हो गया प्लस का, सही है। y की वैल्यू मिली इन द फॉर्म ऑफ x के फॉर्म में y की वैल्यू आ चुकी है। सो अब देखिए कैसे कंटिन्यू करें, y x इक्वल्स टू y तो साइड में लिख सकता हूं इसको y इक्वल टू 5x, सही है, दोनों साइड को शिफ्ट किया है, y इक्वल्स टू 5x या 5x इक्वल्स टू y लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो अब वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x इक्वेशन नंबर ये हो गई 3, क्योंकि y की वैल्यू मिली है मगर x फॉर्म के फॉर्म में है, एंड सेकंड वन ये 2x इक्वल्स टू y, एंड सो इसको भी y = 2x लिख सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, क्योंकि ये y की वैल्यू x के फॉर्म में है, वो y की वैल्यू dx के फॉर्म में है, सही है। अब क्या करेंगे, यहां तक तो वैल्यू आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 जो है दोनों y की वैल्यूज है इन द फॉर्म ऑफ x, अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, हमारे पास ये किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, पुट अप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट अप करेंगे y = 5x मिली है एंड इक्वेशन नंबर 2, सही है, 1 में करें या 2 में करें हमारे पास ये, मैं 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखी जाएगी 6xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू है 20 के, इक्वेशन नंबर 2 लिखी मैंने, सही है। अब y की जगह पे y की वैल्यू लिखेंगे, 6xy की जगह पे आ गया 5x प्लस 2y की जगह पे y की वैल्यू 5x होल स्क्वायर है इक्वल टू 20, एग्री है, आई बात समझ में आ रहा है, जस्ट y इज रिप्लेस बाय x वैल्यू दैट इज 5x, ठीक। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 6 5 30, x मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो x x x x स्क्वायर प्लस 2 5x होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, x के भी स्क्वायर है इक्वल टू 20, दोनों नंबर भी स्क्वायर, आई बात समझ में, ठीक। ये 30x स्क्वायर सेम है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 के साथ करेंगे हो जाएगा 50x स्क्वायर सेम है इक्वल टू 30, ठीक। दिस बोथ टर्म्स आर द सेम वेरिएबल, x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर दोनों प्लस है, प्लस करेंगे 30 में 50 प्लस करेंगे 80x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सही, सिंगल टर्म हो गए। अब x स्क्वायर के साथ 80 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि x को आजाद करना है, सो x स्क्वायर इक्वल टू 20 एंड 24 आर 80, सो 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ऊपर 1 है डिवाइडेड बाय 4, आई बात समझ आता, ठीक। अब x स्क्वायर की वैल्यू है 1/4, हम लोगों को क्या चाहिए x, तो x चाहिए, इसको स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना, तो हम करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट टेक आउट करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट टेक आउट करेंगे, सो x स्क्वायर पे स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पे भी स्क्वायर रूट,
दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ गया, सही है, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x3 का स्क्वायर प्लस माइनस, वेरिएबल स्क्वायर में आजाद होगा तो कांस्टेंट नंबर के आगे प्लस माइनस ही जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया x की दो वैल्यूज, इतनी वैल्यूज दो वैल्यूज, सही है, आई बात समझ में, ठीक। अब इक्वेशन 3 में से x की वैल्यू मिली है वो 2, अब इन x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस इक्वेशन नंबर 3 में ताकि हमें y की वैल्यूज मिले, ठीक है। सो पुट अप करेंगे x = 2 + - 1 / 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा वो ये जो इक्वेशन 3 में सही तो वैल्यू मिली है तो वापस 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 3 है y = 5x, इक्वेशन 3 लिखी वापस जो भी है, अब y = 5x की जगह पे x की वैल्यू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब देखिए प्लस एंड माइनस अलग अलग लिखें आपकी मर्जी है या कंबाइन लिखें फिर भी कोई इशू नहीं है, इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन 2 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 5 बनजा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो y की दो वैल्यूज मिली जो आपके सामने मौजूद है, आई बात समझ में, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 की मदद से वैल्यूज हुई है, अब इक्वेशन 4 भी सिमिलरली इसी वे से सॉल्व करेंगे, सही है। तो मैं यहां पर अगेन लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 पुट अप करें y की वैल्यू जो इक्वेशन 4 में है क्या है 2x इन इक्वेशन नंबर सेम वही इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम वही इक्वेशन नंबर 2 में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 है 6xy + 2y² = 20, ये इक्वेशन नंबर 2, सही है, वापस लिखिए ताकि समझ में आए इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 है कौन सी, इक्वेशन 2 ही है, ठीक। अब y की जगह पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या 2x, 6xy की जगह पे आ गया 2x, 2y की जगह पे 2x होल स्क्वायर स्क्वायर सेम रहेगा इक्वल टू 20, सिर्फ y की जगह पे y की वैल्यू लिखी है और कोई चीज चेंज नहीं की, एग्री है, ठीक। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 2 के साथ, 6 टू 12, x मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ xx का x स्क्वायर इक्वल टू 2 + 2 2x होल स्क्वायर दोनों के स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 20 के, 2 एंड x दोनों पे स्क्वायर दोनों का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, सो ये 12x स्क्वायर प्लस 2 4 8x स्क्वायर इक्वल टू 20, 12x स्क्वायर एंड 8x स्क्वायर दोनों सेम वेरिएबल में टर्म है प्लस के हैं, टर्म में 8 प्लस करेंगे 20x स्क्वायर इक्वल टू 20, ठीक। x स्क्वायर के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड में शिफ्ट करेंगे 20 चला जाएगा डिवाइड ताकि x वाला टर्म आजाद हो जाए, 20 20 में कैंसिल हो गया सो x स्क्वायर इक्वल टू बचा 1 क्योंकि 20 को 20 का टाइम में 1 टाइम ही लग सकता है, ठीक। अब x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, x चाहिए इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, सेंड ये बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायर रूट बोथ साइड पे टेक आउट करेंगे एंड देन समझते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक। अब x स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 पे भी स्क्वायर रूट, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर स्क्वायर की वजह से कैंसिल, वेरिएबल आजाद हो तो प्लस माइनस उस साइड पे कांस्टेंट नंबर भी आ गया प्लस माइनस आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, आई पास बन गया था, सही है, सेम वही स्टेप्स वही फॉलो कर रहे। अब क्या करेंगे, जो जो x की वैल्यूज मिली है कितनी 2, तो दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि इक्वेशन 4 से मिली है तो इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो मैं लिख रहा हूं पुट अप करेंगे x की वैल्यू मिली है प्लस माइनस 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखते हैं समझते हैं क्या मिलेगा हमें, सही है। सो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 4 है क्या, y = 2x है तो y = 2x, ठीक। सो y = 2x की जगह पे x की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिए,
या अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्लस की वन अलग सबसूट करें, वन माइनस अलग सबसूट करें, कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों साथ कर दिए क्योंकि सिंपली मल्टीप्लीकेशन, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो y इक्वल टू प्लस माइनस टू वन जा टू, तो y की कितनी वैल्यूज मिली दो, आई पास समझ में, सही है, एग्री यहां तक, तो ये है सॉल्यूशन से, मींस वैल्यूज कंप्लीट मिल चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को हम कंबाइन करके लिखेंगे फाइनली, सॉल्यूशन से इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, इस साइड से स्टार्ट होते हैं, एबीसी के मुताबिक अब डिसाइड करना है कि वेरिएबल, यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन है वो दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है, तो फाइनली जब सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले एक्स एंड देन वाई, क्योंकि एबीसी के मुताबिक पहले एक्स ही आता है, तो पहले एक्स, तो एक्स की वैल्यूज प्लस माइनस 1/2, वाई की वैल्यूज प्लस माइनस 5/2, ठीक है, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 5/2, ठीक, दो बार लगा प्लस माइनस के, एंड सेकंड में यहां पर प्लस माइनस 1 है तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, ब्रैकेट ओवर j, फाइनली आंसर है। ठीक है, या ऑर्डर पर अलग अलग लिखे तो भी कोई इशू नहीं है, आई पास समझ में, तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन सेट, अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13, आई पास समझ में, सही है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सेम वही स्टेप्स हैं, जस्ट इस इक्वेशन में एक चेंजिंग ये थी, पहले हमने स्टार्टिंग में इक्वेशंस के जो इक्वल टू कांस्टेंट नंबर थे उन कांस्टेंट नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन करके जीरो लिखा उसके लिए, वो कैसे लिखा वो समझा, सही है, बाकी आगे स्टेप्स वही हैं जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हम समझते आए, आई पास समझ में, एग्री गाइस, प्रैक्टिस अब आपको करनी है, प्रैक्टिस करेंगे फुली कंसंट्रेशन से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे क्या हो रहा है कैसे सॉल्व करना है, बस मेन यही आपको स्टार्टिंग होनी चाहिए, समझ में आए स्टार्ट कैसे करें वो समझ में आएगा तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, हर प्रॉब्लम में यही चीज रिपीट करता जा रहा हूं, प्रैक्टिस करने, मैथमेटिक्स मतलब ये प्रैक्टिस, सही है गाइस, सो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, एंड प्रैक्टिस भी जरूर आप लोग करेंगे, सही है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, देखते हैं वो कौन सा है, तब तक अल्लाह हाफिज़ गाइस।